बेटा हमारा चैप्टर 7 स्टार्ट था। आज हम करेंगे मूव टूल। यस, पेज नंबर 71, मूव टूल। दिस टूल अलाउज अस टू यूज़ द सेलेक्ट पार्ट ऑफ एन इमेज इन अ न्यू लोकेशन ऑन दैट इमेज। मूव टूल है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो भी हमारा जो भी हमने इमेज सेलेक्ट कर रखी है उसके किसी भी पार्ट को सेलेक्ट कर उसे मूव करना। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बिलो दैट विल टीच यू हाउ टू यूज़ दिस टूल। अब देखिए इस टूल को कैसे यूज़ करेंगे, ये स्टेप्स देखेंगे। यस, नंबर फर्स्ट, Using one of the selection tools, select the part of the image that you want to use. सबसे पहले हम उस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको हम मूव करना चाहते हैं। तो देखिए ये जो हॉर्स है, हॉर्स का फेस है, उसको सेलेक्ट किया। स्टेप टू, नाउ सेलेक्ट द मूव टूल। और इसके बाद हम किसको सेलेक्ट करेंगे, मूव टूल। देखिए इस टूल बॉक्स में मिलेगा आपको मूव टूल। गो, स्टेप थर्ड, गो टू द सेलेक्शन एरिया एंड प्लेस द माउस पॉइंटर देयर। नाउ ड्रैग द सेलेक्शन टू अ न्यू लोकेशन। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, उसे न्यू लोकेशन पर ड्रैग कर देंगे। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम किसी भी इमेज का कोई भी पार्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट है ड्रॉइंग टूल। द ड्रॉ वेरियस शेप्स इन अ फोटोशॉप। यू कैन यूज टूल्स लाइक रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगन एक्सेट्रा। शेप्स लाइक ब्लॉब, हार्ट एंड एरोज कैन बी ऑल्सो द ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ कस्टम शेप टूल्स। यस, तो इसमें क्या है बेटा, हम अपने अकॉर्डिंग जो भी शेप हमें सेलेक्ट करनी है उसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। शेप टूल्स, द ड्रॉ शेप्स लाइक रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, इलिप्स, पॉलीगन एंड लाइन, फॉलो द स्टेप्स ब्लो स्टेप्स। अब इसको शेप टूल्स को में से किसी भी टूल को सेलेक्ट करने के लिए किसी भी शेप को सेलेक्ट करने के स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप फर्स्ट, गो टू द सेलेक्शन पैनल एंड चूज अ टूल दैट सूट यू। हम सबसे पहले टूल पैनल पर जाएंगे और वहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्शन पैनल पर जाएंगे और वहाँ से जो भी टूल हमें लेना है उस टूल को सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से टूल शो होंगे हमें सारे। स्टेप टू, नाउ गो टू द ऑप्शंस बार टू चूज द फिल कलर, स्ट्रोक टाइप एक्सेट्रा। और हमने जो भी पॉलीगन टूल लिया है उसमें हम कलर किस तरीके से फिल करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेप थर्ड, क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग द माउस विल नाउ ड्रॉ द शेप दैट यू वॉन्ट। और इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे जो भी हमें शेप है सेलेक्ट की है उसको ड्रैग करने के लिए। यस, नेक्स्ट कस्टम शेप टूल। नेक्स्ट अपने पास कस्टम शेप टूल। देयर आर अ वैरायटी ऑफ प्रीसेट शेप्स इन अ फोटोशॉप लाइक अ फ्लावर और अ ग्रिड। टू यूज दैम वी यूज दिस टूल। नाउ लेट अस लर्न हाउ टू यूज दिस टूल। अब देखिए जो कस्टम टूल है वो डिफरेंट टाइप्स की शेप्स है उसका ग्रिड बनाने, कोई भी शेप जैसे फ्लावर है या फिर कोई अदर शेप है उसे हम सेलेक्ट करके और उस टूल को ले सकते हैं। यस, स्टेप फर्स्ट, गो टू द टूल पैनल एंड सेलेक्ट द कस्टम शेप टूल। हम सबसे पहले टूल पैनल पर जाएंगे और वहाँ से सेलेक्ट करेंगे कस्टम शेप पैनल। यस, स्टेप टू, इन द ऑप्शन बार यू विल फाइंड अ शेप पॉप अप पैनल, सेलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट शेप्स फ्रॉम देयर। स्टेप थर्ड, टू ड्रॉ द सेलेक्ट कस्टम शेप जस्ट क्लिक एंड ड्रैग द माउस। और जो भी हमने शेप सेलेक्ट किया है उस पर क्लिक करके और उसे ड्रैग कर लेंगे तो वो शेप कहाँ आ जाएगी, जो भी हमने कस्टम टूल लिया था उससे उसके रिलेटेड वो शेप हो जाएगी। यस, पेंटिंग टूल, टू चेंज द फिल कलर ऑफ एन इमेज पेंटिंग टूल आर यूज्ड। देखिए पेंटिंग टूल जो भी हमने पिक्चर लिया उसमें कलर फिल करने के लिए यूज होता है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग टूल्स दैट आर अवेलेबल इन फोटोशॉप आर ब्रश टूल, पेंसिल टूल, ग्रेडेंट टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, पेंट एंड पेंसिल टूल, सॉरी पेंट बकेट टूल, हिस्ट्री ब्रश टूल एंड ब्रश टूल एंड पेंसिल टूल कैन अप्लाई कलर विद ब्रश स्ट्रोक वाइल ग्रेडिएंट एंड द पेंट बकेट टूल्स आर यूज्ड टू कलर लार्ज एरिया।
एरियाज़। देखिए बेटा ये पेन टूल है जो अपना का पिक्चर्स में कलर फिल करने के लिए यूज़ होता है। इसमें हम ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रोक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम पेंटिंग करते हैं एमएस पेंट पर, तो उस तरीके से हम यहाँ पर इसमें पेंट कर सकते हैं फोटोशॉप में भी। यस, नेक्स्ट है अपने पास ब्रश टूल। यस, दिस टूल अलाउज यू टू क्रिएट सॉफ्ट स्ट्रोक ऑफ कलर इन योर पिक्चर। देयर आर वेरियस ऑप्शंस दैट कैन बी एक्सेस थ्रू द ऑप्शन बार। फर्स्ट ब्रश प्रीसेट पिकर, द मास्टर डायमीटर ऑफ द ब्रश डिसाइडेड द साइज ऑफ द ब्रश। ब्रश प्रीसेट पिकर अलाउज यू टू चेंज द मास्टर डायमीटर ऑफ द ब्रश। ये क्या करता है, जो ब्रश है उसका डायमीटर चेंज करने के लिए यूज़ होता है। मोड, वाइल अप्लाइंग ब्रश स्ट्रोक यू कैन डार्कन ऑफ लाइटन विच इज नाउ एज द पेंटिंग मोड। दिस लेट्स यू चेंज द पेंटिंग मोड। ऑप्सिटी, दिस लेट्स यू चेंज द लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग द ब्रश स्ट्रोक। नेक्स्ट, फॉलो दिस लेट्स यू स्पेसिफाई हाउ क्विकली द पेंट शुड बी अप्लाइड। तो बेटा आज हमने ये इतना रीड करा है। ब्रश टूल में ये चार ऑप्शंस होते हैं। अब हम आगे टॉपिक है उसे नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके बेटा, आप इसे अच्छे से रीड करना। थैंक यू।